नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 20 जनवरी 2022 दिन गुरुवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, 8:04 तक ही रहेंगे, उपरांत तृतीया तिथि का आगमन हो जाएगा। नक्षत्र अश्वलेशा रहेंगे जो 8:24 सुबह तक ही रहेंगे, उपरांत मग्घा नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे 8:24 सुबह तक, उपरांत चंद्रमा सिंह राशि में चले जाएंगे। राहु काल 1:52 दोपहर से लेकर 3:11 दोपहर तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं 8:24 तक। तो आप लोगों से आग्रह है कि 8:24 सुबह तक किसी भी तरह का यात्रा आप लोग ना करें। 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके सिंह राशि में, जो आपके पंचम स्थान की राशि है, और एक शानदार समय का शुरुआत हो जाएगा आपके लिए। हालांकि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति देव चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, संतान से अच्छे परिणाम सुनने को मिलेंगे, संतान को लाभ काफ़ी होगा। थोड़ा सा आपका मन बेचैन रहेगा, संतान हो सकता है आपके कुछ बाहर जाएं, विदेश जाएं, जिसके कारण मन आपका ज़्यादा बेचैन रहेगा। मंगल शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, तो भाग्य की काफ़ी वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में काफ़ी लाभ होने की स्थिति है। सूर्य बुध शनि दशम स्थान में बैठे हुए हैं और काफ़ी आपको लाभ दिला रहे हैं, कर्म के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ मिलने जा रहा है। 8:51 से लेकर 9:54 तक का समय सुबह बहुत अच्छा समय नहीं है, मन थोड़ा ज़्यादा बेचैन रहेगा, कुछ भाग दौड़ की स्थितियाँ बनेंगी, यात्रा का कुछ प्रोग्राम बनेगा, लेकिन आपको कम से कम 8:24 तक कोई यात्रा न करनी है, उसके बाद ही यात्रा करनी है। 8:51 से आप यात्रा कर सकते हैं, तो यात्रा का समय बनेगा। 9:54 से लेकर 2:08 तक अचानक धन लाभ का योग है, स्त्री पक्ष से धन लाभ की संभावनाएं प्रबल है, पिछले काम का धन लाभ आपको मिल सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभ मिल सकता है। 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय थोड़ा सा मानसिक तनाव का समय रहेगा आपका, लेकिन अचानक शेयर सट्टा लॉटरी से इस समय आपको फायदा होने की स्थितियां बनती हैं। 5:32 से लेकर रात्रि 7 तक का समय अच्छा समय है, बुरा समय नहीं है। जो व्यक्ति जमीन जायदाद का व्यापार करते हैं उन्हें काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। तो मेष राशि वाले, आपका समय अच्छा समय है आज, थोड़ा सा मानसिक चिंताएं ज़्यादा सताएंगी, परंतु समय काफ़ी अच्छा है। आज के दिन आप केतु के मंत्रों का जरूर जाप करें, कुत्ता को रोटी जरूर खिलाएं या कुत्ता को बिस्कुट खिलाएं, गुरुवार का दिन है, बृहस्पति के भी मंत्रों का जाप करें। ओम कें केतुवे नमः, ओम कें केतुवे नमः का जाप कर सकते हैं, या स्त्राम मिस्त्रिम मिस्त्रुम सह केतुवे नमः, स्त्राम मिस्त्रुम मिस्त्रुम सह केतुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं और 8:24 के बाद चंद्रमा चले आएंगे चतुर्थ स्थान में, सिंह राशि में चंद्रमा चले आएंगे, तो 8:24 के बाद किसी भी तरह की यात्राएं आप न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यापार में काफ़ी लाभ होगा, कर्म क्षेत्र से काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें भी काफ़ी लाभ होगा। शनि बुध सूर्य तीनों ग्रह बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, भाग को काफ़ी प्रबल कर रहे हैं, पराक्रम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं, जो व्यक्ति जमीन का काम करते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। मंगल शुक्र आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ होगा, लेकिन किसी भी स्त्री पक्ष से आपको थोड़ा अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। 8:51 से लेकर 9:54 तक का समय व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा समय है, लेकिन व्यापार उस समय धीमे 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 आगे बढ़ेगा और आपके यात्रा का भी योग है।
चूंकि चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हुए हैं तो यात्रा न करें तो ज़्यादा अच्छा है। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय लाभ का तो समय है, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में तनाव की ज़्यादा स्थिति नज़र आएगी, तो दाम्पत्य जीवन के तनाव से थोड़ा बचना होगा आपको। लेकिन व्यापार से काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, विशेष करके पार्टनरशिप व्यापार से आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय लाभ का समय है, लेकिन मानसिक तनाव में ज़्यादा रहेंगे। यात्रा का योग बनेगा, लेकिन चतुर्थ स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो यात्रा न करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा, लेकिन थोड़ा इस समय मन थोड़ा बेचैन रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। 5:32 से लेकर 7:00 तक जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। पुलिस सेवा में जो है उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने की संभावना है, तो दिन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, मध्यम दिन है। आज के दिन आप शुक्र के ही मंत्रों का जाप करें। ओम द्रौम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओम द्रौम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः तथा श्री सूक्तम का पाठ करें। 1.25 किलो दही किसी भी ब्राह्मण को दान करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं द्वितीय स्थान पर आपका 8:24 सुबह तक कर्क राशि में, लेकिन 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे सिंह राशि में, जो आपका तृतीय स्थान का राशि है। चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु छठे में बैठे हुए हैं। ऐसे में यात्रा का योग काफ़ी बनेगा और यात्रा से आपको लाभ भी होने की संभावनाएं प्रबल हैं। मंगल शुक्र बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान में, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, स्त्री पक्ष से काफ़ी लाभ होने की संभावना है। सूर्य बुध शनि बैठे हुए हैं आपके अष्टम स्थान में, ऐसे में पिता से थोड़ा नुकसान होने की संभावना है, आपको प्रबल है। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति सरकार से टेंडर लेके काम करते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सरकारी नौकरी वाले थोड़ा सा ध्यान दें। 8:51 सुबह से लेकर 9:54 तक का समय आपके लिए अच्छा समय है। यात्रा होंगी और यात्रा से आपको लाभ होगा। कर्ज वगैरह लेने की कोशिश करेंगे तो कर्ज वगैरह भी आपको मिलने की संभावनाएं हैं। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय काफ़ी अच्छा समय है। पार्टनरशिप के धंधे में काफ़ी लाभ होगा, जमीन जायदाद के काम में काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति बिल्डिंग खरीदते हैं बेचते हैं उनको उन्हें भी काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य को तो बढ़ा रहे हैं, इसमें तो कहीं से दो मत नहीं है, भाग्य काफ़ी आपका बढ़ रहा। लेकिन बृहस्पति भी राहु के नक्षत्र में है और राहु आपकी कुंडली में 12वें में बैठे हुए हैं, ऐसे में विदेश का काफ़ी योग बन रहा है। जो व्यक्ति विदेश में काम करते हैं उन्हें काफ़ी फायदा होगा, जो व्यक्ति विदेश से व्यापार करते हैं उन्हें भी काफ़ी फायदा होने की संभावनाएँ प्रबल है। लेकिन खर्च की स्थिति इस समय विशेष बढ़ी हुई रहेगी, खास करके 3:24 से लेकर 5:32 तक खर्च की स्थिति आपकी काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी। 5:32 से लेकर 7:00 तक का समय काफ़ी अच्छा समय है आपको। जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होगा, कर्ज से कर्ज भी लेना चाहेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। कुल मिलाकर आपके लिए आज का दिन अच्छा दिन है, यात्राएं से भी आपको काफ़ी लाभ होने की संभावनाएँ प्रबल हैं। आज का दिन बृहस्पतिवार का दिन है तो गुरु के मंत्रों का जरूर जाप करें तथा कुत्ता को बिस्कुट खिलावें, काफ़ी लाभ होगा। गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव आपके लग्न में बैठे हुए हैं और 8:24 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, बहुत ही अच्छा समय आपका शुरू हो जाएगा। धन का काफ़ी आप संग्रह करने की आप सोचेंगे, धन का काफ़ी संग्रह कर सकते हैं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो संतान पक्ष से थोड़ी चिंता संतान पक्ष के बारे में होगी, लेकिन संतान पक्ष हो सकता है विदेश आज के दिन जाएं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। सूर्य बुध शुक्र, सूर्य बुध शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप व्यापार से काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी लाभ होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन से थोड़े नुकसान होने की संभावनाएँ आपके प्रबल हैं।
बृहस्पति देव अष्टम में बैठे हुए हैं, थोड़ा मान सम्मान में थोड़ी सी कमी हो सकती है। 8:51 से लेकर 9:54 तक का समय अच्छा समय है आपका, लेकिन संतान से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय, ये समय जो है आपका काफी लाभ का समय है, आप इसमें काफी लाभ अर्जित कर सकते हैं। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय आपके लिए अच्छा समय है, खास करके इसी कन्या संतान से काफी लाभ होने की संभावना है, कर्ज वगैरह भी लेंगे और अच्छे काम में कर्ज को खर्च करने की स्थितियां बनती हैं, महिलाओं से काफी सम्मान मिलने की स्थिति बनती है, शत्रु का ह्रास होने का स्थिति बनता है, शत्रु नाश हो सकते हैं। इस समय 3:24 से लेकर 5:32 का समय, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है आपको, पैतृक संपत्ति गिरवी रख के बैंक से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आज जमा पूंजी संग्रह करने का समय है, तो पैतृक संपत्ति में किसी तरह का हेरफेर न करें, पैतृक संपत्ति से लाभ होने की स्थिति बनती है, जमा पूंजी में भी धन संचय का स्थिति बन रहा है। लेकिन 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय थोड़ा मानसिक तनाव का समय रहेगा, ऐसे में आप अपने आप पर संयम रखें। 5:32 से लेकर 7 बजे तक, 5:32 से लेकर 7 बजे तक जमीन जायदाद से आपको काफी लाभ होगा, शत्रु उपद्रव तो होंगे लेकिन शत्रुओं का समन होगा। स्त्री पक्ष से भी 5:32 से लेकर 7 बजे तक थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कर्क राशि वाले, दिन आपके लिए अच्छा है, कहीं से भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। आज के दिन गुरुवार है, आज के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ावें और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, आपको काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रदेव आप ही के लग्न और आप ही की राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, केतु आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केतु भी शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके कुंडली में छठे में बैठे हुए हैं, तो माता के स्वास्थ्य से आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। मंगल शुक्र बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, आय भाव को देख रहे हैं, काफ़ी फायदा दिला रहे हैं मंगल शुक्र, हर तरह से फायदा दिला रहे हैं। जो व्यक्ति सिंगिंग करते हैं, जो व्यक्ति जमीन का काम करते हैं, जो व्यक्ति मॉडलिंग करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, उनके लिए दिन काफ़ी शानदार है। बृहस्पति देव सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी राहु के नक्षत्र में है, राहु आपकी कुंडली में 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो सरकारी काम करने वाले को काफ़ी लाभ होगा, आपको काफ़ी प्रशंसा प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, प्रशासन में है, उनका काफ़ी लाभ होने की संभावना है, उनका प्रमोशन होने की संभावना है, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होने की संभावना है, उन्हें काफ़ी अच्छा अच्छा प्रशंसा मिलने की संभावनाएँ हैं। 8:51 से लेकर 9:54 तक का समय आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं है, यात्रा का योग होगा, लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर इस समय ज़्यादा ध्यान देना है। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय बहुत ही शानदार है, इस समय शेयर सट्टा लॉटरी से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है, हर तरफ से काफ़ी फायदा हो सकता है, ये समय काफ़ी आपके लिए अच्छा समय है। 2:08 से लेके 3:25 तक का समय, ये भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हर तरह से आपको फायदा होने की स्थिति बनती है, अच्छे मार्केटिंग कर सकते हैं, सामान वगैरह अच्छा ढंग से खरीद सकते हैं, घर के सजावट का सामान खरीद सकते हैं। 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय, ये समय थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है, मानसिक परेशानी से आप जूझ सकते हैं, बिना मतलब का टेंशन हो सकता है, संतान से भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा ये समय विशेष करके 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 5:32 से लेकर 7 बजे तक का समय आपके लिए अच्छा समय है, खास करके उनके के लिए जो जमीन का काम करते हैं, काफ़ी अच्छा समय है, जो पुलिस सेवा में है उनके के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कुल मिला के सिंह राशि वाले, समय आपका मध्यम ही है, इस समय में आप बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना ना भूलें, तथा केतु के लिए चंदन हल्दी केसर मिलाकर माथे पर
तिलक लगावें और गले में तिलक लगावें और अपने नाभि में तिलक लगावें, काफ़ी फायदा होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके बारहवें स्थान में चले गए हैं। 8:24 सुबह के बाद चंद्रमा चले गए हैं बारहवें स्थान में, तो ध्यान रखेंगे। चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र में है, केतु तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, तो विदेश से तो आपको काफ़ी लाभ होगा। विदेश से अगर कोई काम है तो वो काम में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, लेकिन भूल कर भी आज कोई यात्रा न करें तो ज़्यादा अच्छा है। यात्रा करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मंगल शुक्र दोनों बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान पर, दशम स्थान को देख रहे हैं, तो काम धाम की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, काम की स्थिति बुरी नहीं रहेगी। सूर्य बुध शनि तीनों पंचम स्थान में बैठ के आपके एकादश स्थान को देख रहे हैं, संतान पक्ष से काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, आय के साधन बहुत प्रबल रहेंगे। बृहस्पति देव छठे स्थान में बैठे हुए हैं, कर्ज वगैरह लेने की स्थितियां बनेंगी और कर्ज को आप बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग में लावेंगे। 8:51 से लेके 9:54 तक का समय पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, काफ़ी बढ़ा हुआ पराक्रम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस आप में ज़्यादा आएंगे, आलस थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इससे थोड़ा दूर रहें। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय काफ़ी अच्छा है, मकान जमीन जायदाद के लिए उस समय फ़ायदा होगा, किसी मकान जमीन जायदाद का आप डीड कर सकते हैं इस समय। 2:08 से लेकर 3:25 तक का समय आपके लिए बहुत ही शानदार समय है। जो व्यक्ति प्रशासन में, उन्हें काफ़ी लाभ मिलने वाला है इस समय, मान सम्मान आपका बढ़ा हुआ रहेगा, सरकारी नौकरी करने वाले के काम की काफ़ी प्रशंसा होगी, जो व्यक्ति प्राइवेट में भी काम करते हैं उन्हें भी काम की काफ़ी प्रशंसा उनके काम की जाएगी। ये समय आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है, हर काम आपके बनेंगे। 3:24 से लेकर 5:32 का समय थोड़ा मानसिक तनाव का समय है, बिना मतलब का पैसा खर्च होने का समय है, तो इस समय खर्च से बचें। 5:32 से लेकर 7 तक का समय जमीन जायदाद मकान से आपको काफ़ी फायदा होने का समय है। कुल मिलाकर दिन मध्यम है, लेकिन चंद्रमा बारहवें में बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का यात्रा करना आज के दिन कहीं से भी आपके लिए उचित नहीं होगा, मन भी थोड़ा सा बेचैन रहेगा। आज के दिन आप बृहस्पति के मंत्रों का जरूर जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, तथा 3 रोटी जिसमें थोड़ा सा तेल लगाकर कुत्ता को खिलावें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके एकादश स्थान में, केतु के नक्षत्र में है, केतु भी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, पिता से काफ़ी लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से आपको काफ़ी लाभ होगा, हर तरह से आपको लाभ होने की स्थिति है। मंगल शुक्र बैठे हुए हैं तृतीय स्थान में, भाग्य भाव को देख रहे हैं, पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, भाग्य भी काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, धर्म के काम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सूर्य बुध शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं, तो कार्य का क्षेत्र आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी आपको। जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं, सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं और सूर्य अपनी कुंडली में सूर्य के ही नक्षत्र में है, आज के गोचर में सूर्य के ही नक्षत्र में है, तो जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं आज अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सूर्य भी सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके पंचम स्थान पर, एकादश स्थान को देख रहे हैं, लाभ ही लाभ होगा, संतान पक्ष से भी लाभ होगा। 8:51 से लेकर 9:54 तक का भी समय आपके लिए बहुत ही शानदार है, पैतृक संपत्ति से कोई ना कोई नया डील हो सकता है और आपको लाभ हो सकता है। 9:54 से लेकर 2:08 तक का भी समय काफ़ी शानदार है आपका, हर तरफ से लाभ मिलेगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, कोई नया जमीन जायदाद आप खरीद सकते हैं, नया गैजेट खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग बना सकते हैं। 2:08 से लेकर 3:25 तक का समय थोड़ा ध्यान देंगे आप, 2:08 से लेकर 3:25 तक का जो समय है
विशेषकर हृदय रोगी इस समय बहुत सावधान रहे, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लें। समय तो अच्छा है, लेकिन उनके के लिए जो प्रशासन में काम करते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो सरकार से टेंडर लेके रोड बनाते हैं, मकान बनाते हैं, चाहे किसी भी तरह का टेंडर लेते हैं, तो उनके के लिए समय बहुत ही अच्छा है। 3:24 से लेकर 5:32 का भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, घूमने का मन करेगा, हर तरफ से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होने जा रहा है। 5:32 से लेकर 7 तक का समय पराक्रम काफ़ी बढ़ा रहेगा। जमीन जायदाद से आपको काफ़ी फायदा होगा। स्त्री पक्ष से थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुल मिला के तुला राशि वाले, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार दिन है। आज के दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लें और सूरज को जल चढ़ावे। दिन काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके दशम स्थान पर, केतु के नक्षत्र में है, केतु बैठे हुए हैं आपके राशि पर, लग्न पर, तो दिन आपका अच्छा है, मन बेचैन रहेगा, लेकिन घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है और यात्रा से आपको लाभ भी होने की संभावनाएं हैं। मंगल शुक्र बैठे हुए हैं आपके द्वितीय स्थान पर, तो काफ़ी पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होगा। आज के दिन शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभ होने जा रहा है। सूर्य बुध शनि बैठे हुए हैं आपके तीसरे स्थान पर, भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग को काफ़ी प्रबल कर रहे हैं, तथा पराक्रम भी आपके काफ़ी बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी आप पराक्रमी रहेंगे, पराक्रम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर दिन तो अच्छा है। 8:51 से लेकर 9:54 तक का समय, थोड़ा सा यात्रा का समय है, लेकिन यात्रा से भी आपको फायदा होगा, थोड़ा आलस भी लगेगा आपको, थोड़ा ज़्यादा आलसी बन जाएंगे, लेट उठेंगे, थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय काफ़ी अच्छा समय है। जब समय नोट कर लें, 9:54 दिन से लेकर 2:08 तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे व्यक्ति जो सिंगिंग का काम करते हैं, मॉडलिंग का काम करते हैं, फिल्मों में काम करने के लिए बेताब हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सिंगिंग करने वाले आज के दिन आप मेहनत करें, आपका मेहनत परिश्रम रंग लाएगा। 2:08 से लेकर 3:25 तक का भी समय काफ़ी अच्छा है। मान सम्मान काफ़ी बढ़ेगा, पराक्रम काफ़ी भरा हुआ रहेगा, लोग आपको झुक झुक के सलाम भी कर सकते हैं, हर तरह से आपको लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं। 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय थोड़ा सा परेशानी का समय है, थोड़ा सा परेशानी में रहेंगे आप, और ये परेशानी केवल आपकी मानसिक परेशानी रहेगी, मानसिक परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा मानसिक थोड़ा बोल्ड बने, क्योंकि बहुत दिन से आप मानसिक परेशान हैं, केतु देव आपके राशि और लग्न पे बैठे हुए हैं, इसलिए आप मानसिक परेशान हैं, तो मानसिक परेशान से दूर रहें, केतु आपके झंडा को फहराएंगे। 5:32 से लेकर 7 तक का समय, जमीन जायदाद से आपको काफ़ी फायदा होगा, पैतृक संपत्ति से काफ़ी फायदा होगा, फिल्मों में काम करने वाले को काफ़ी फायदा होगा, रेडीमेड गारमेंट का काम करने वाले को काफ़ी फायदा होगा, मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह खरीदने की योजना बना सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, दिन आपका हर तरफ से काफ़ी अच्छा है, इस अच्छे दिन का फायदा उठावें, कर्म में काफ़ी ध्यान लगाएं, काफ़ी सफलता मिलेगी। आज के दिन हनुमान चालीसा का ही पाठ करें तथा बृहस्पति देव के मंत्रों का पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः। कुत्ता को आज कुछ बिस्कुट वगैरह खिलावें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनुराशि, चंद्रदेव आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हैं। चंद्रमा 8:24 के बाद सिंह राशि में चले आएंगे और केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और केतु आपके 12वें में बैठे हुए हैं। विदेश यात्रा हो सकता है, अगर आपका पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिला है तो वो भी मिल सकता है, विदेश से काफ़ी फायदा हो सकता है। मंगल शुक्र बैठे हुए हैं आपके राशि और लग्न पे बैठे हुए हैं, जो आपको काफ़ी इनर्जेटिक बना रहे हैं,
फिल्मों में काम करने वाले को काफ़ी एनर्जेटिक बना रहे हैं, मॉडलिंग करने वाले को काफ़ी एनर्जेटिक बना रहे हैं। तो अच्छा दिन है, केतु बारहवें में बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ, विदेश से अच्छा आपको काम वगैरह मिल सकता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति देव बैठे हुए हैं आपके तृतीय स्थान में, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो भाग्य को काफ़ी प्रबल कर रहे हैं, मानसिक स्थिति भी प्रबल रहेगी। हालांकि केतु के चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है, काफ़ी खुश रहेंगे आप, हर काम आपका बनेगा। 8:51 सुबह से लेकर 9:54 तक का समय अच्छा नहीं है, किसी भी तरह का इस समय यात्रा आप न करें, खास करके 8:51 से लेकर 9:54 तक यात्रा न करें। हालांकि विदेश से बात करें, विदेश से काम करने वाले को लाभ हो सकता है। 9:54 से लेकर 2:08 तक स्त्री पक्ष से आपको काफ़ी लाभ होगा, लेकिन स्त्रियों से थोड़ा झंझट लड़ाई भी हो सकता है, तो थोड़ा सा स्त्री से बात करने में संयम रखें। 2:08 से लेकर 3:25 तक का समय काफी शानदार है आपका। पिता से काफी लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से काफी लाभ होगा, मान सम्मान आपका बढ़ा हुआ रहेगा, जमा पूंजी को आप संचय करेंगे और जमा पूंजी का सदुपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय विदेश से कोई ना कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 3:24 से लेकर 5:32 तक जितना यात्रा को अवॉइड कर सकते हैं करें, लेकिन बहुत ज़रूरी है तो यात्रा कर लें, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 5:32 से लेकर रात्रि 7 तक का समय थोड़ा चोट वगैरह लगने का समय होगा, कुछ चोट वगैरह आपके माथे में लग सकता है, कुछ आँख वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस पर ध्यान दें। दिन तो काफ़ी अच्छा है आपका, लेकिन संभल कर रहना ही आज ज़्यादा बेहतरी होगी आपके लिए, थोड़ा संभल कर रहें। बृहस्पतिवार का दिन है, धनुराशि है आपका, धनुराशि के स्वामी बृहस्पति देव ही हैं, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, या बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, या विष्णु जी के किसी भी मंत्रों का जाप करें, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव आपके अष्टम में आ गए हैं 8:24 सुबह के बाद। सिंह राशि में भूल कर भी आज यात्रा ना करें, लेकिन अचानक धन लाभ का आपका योग बन रहा है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, केतु आपके एकादश में बैठे हुए हैं, अचानक धन लाभ होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। पुराने आपके कर्जे जो आपसे लेके भाग चुके थे अचानक आपको मिल सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी से अचानक आपको लाभ हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह का यात्रा करना जोखिम भरा है। मंगल शुक्र दोनों बैठे हुए हैं 12वें स्थान पर, मंगल शुक्र दोनों आपके 6 स्थान को देख रहे हैं, ऐसे में शत्रुओं का समन होगा, स्त्री पक्ष से भी आपको काफ़ी लाभ होंगे, खर्च में आप काफ़ी बढ़ोतरी रहेगी, घर के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे सामान खरीदेंगे, नया मकान नया गाड़ी खरीदने का भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपके लग्न में, शनि भी बैठे हुए हैं लग्न में, बुध भी बैठे हुए हैं लग्न में, तो काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, व्यापार से काफ़ी आपको लाभ होगा। शनि की सारी साथी चल रही है, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है सर जी, इतना याद रखेंगे, चंद्रमा आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 8:51 से लेकर 9:54 तक का समय लाभहीन लाभों का समय है, काफ़ी लाभ होगा आपको। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय, ये भी समय अच्छा है, लाभ होने का समय है, लेकिन स्त्री पक्ष से कुछ खटपट हो सकता है, तो स्त्री पक्ष का अपमान न करें, स्त्रियों का अपमान न करें, स्त्रियों का सम्मान करें। 2:08 से लेकर 3:25 तक का समय मान सम्मान तो आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं से पुरस्कार मिलने की संभावनाएं होंगी, हर तरफ से लाभ होगा, प्रशासन से काफ़ी लाभ होने की स्थितियां बनती हैं। 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय थोड़ा अच्छा नहीं है, इस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा।
आज के दिन किसी भी गंगा स्नान से दूर रहें, नदी नाले से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। 5:32 से लेकर 7 तक का समय आँख में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है, शत्रु उपद्रव होने की संभावना है, प्रबल हैं। जमीन जायदाद से थोड़ा नुकसान होने की संभावना है, प्रबल हैं, तो ध्यान रखेंगे। शनि की सहस्राती भी आपको चल रही है, आज के दिन सुंदरकांड का ही पाठ करें। दिन बृहस्पतिवार है तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या विष्णु जी के किसी मंत्र का पाठ करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर रात्रि में जाप करते हैं तो क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा। शनि की सहस्राती में भी आपको फायदा होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सामने बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, चंद्रमा बृहस्पति दोनों आमने सामने आ जा गए हैं। मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होगी, आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। पिछले समय से चला आ रहा है जो थोड़ा बहुत उलझन था वो आज दूर हो जाएगा। सूर्य बैठे हुए हैं आपके 12वें स्थान पर बुध और शनि के साथ, तो पिता के स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना ही होगा आपको, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मंगल शुक्र बैठे हुए हैं आपके एकादश स्थान में, हालांकि शुक्र रेट्रोगेट हैं लेकिन भाग्य भाव के स्वामी हैं। जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होगा, भाई से काफ़ी लाभ होगा, बड़ा ही अच्छा समय है। 8:51 से लेकर 9:54 सुबह तक का समय थोड़ा भाग दौड़ का समय रहेगा, ऑफिस जाने की टेंशन ज़्यादा रहेगी तो थोड़ा भाग दौड़ का समय रहेगा, लेकिन फिर भी समय बुरा नहीं है, अच्छा है। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय कर्म के क्षेत्र से बहुत लाभ होने की संभावना है। कर्म के क्षेत्र से काफ़ी लाभ होंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, हर काम की आपकी तारीफ होगी। 2:08 से लेकर 3:25 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन विदेश से जो काम करते हैं उन्हें अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन विशेष करके पिता के लिए ये समय आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। 2:08 से लेकर 3:25 दोपहर तक, 3:25 से लेकर 5:32 तक का समय, 3:25 से लेकर 5:32 तक का समय आपके लिए थोड़ी सी मानसिक तनाव का समय होगा, लेकिन व्यापार से काफ़ी लाभ होगा। थोड़ा सा इस समय इल्यूजन में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव का समय रहेगा आपको 3:25 से लेकर 5:32 तक का, 5:32 से लेकर 7 तक का समय काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। हर काम से आपको फायदा होगा, जमीन से फायदा होगा, जायदाद से फायदा होगा, भाई से फायदा होगा, हर तरफ से फायदा होगा। काम में आपकी काफ़ी प्रशंसा की जाएगी, आपके काम की सराहना की जाएगी। जो व्यक्ति पुलिस सर्विस में है उनका प्रमोशन हो जाएगा, जो व्यक्ति जुडिशियल सर्विस में है उनके भी काम की काफ़ी प्रशंसा की जाएगी। तो 5:32 से लेकर 7 तक का समय आपके लिए काफ़ी शानदार है। शनि की सहस्राती चल रही है, शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनि आपके 12वें में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन से थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन बृहस्पति देव तो पंचम दृष्टि डाल रहे हैं संतान पर। हालांकि संतान भाव के स्वामी बुध रेट्रोगेट होकर 12वें में हैं तो संतान से भी बहुत अच्छे रिजल्ट सुनने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है सब कुछ अच्छा होगा। आज के दिन आप 1.25 किलो चने का दाल, 1.25 किलो चने का दाल आप किसी भी विष्णु मंदिर, राम मंदिर, दुर्गा मंदिर के पुजारी को दान करें, काफ़ी लाभ होगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का भी जाप करें, केतु के मंत्रों का जाप करें, कुत्ता को अपनी थाली से निकालकर गुड़ लगाकर 3 रोटी दें खाने को, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव आपके 6ठे स्थान में आ गए हैं, 8:24 के बाद, 8:24 के पहले चंद्रमा कर्क राशि में थे और 8:24 सुबह के बाद चंद्रमा चले आए हैं सिंह राशि में। सिंह राशि आपके कुंडली में 6ठे भाव की राशि है, शत्रु से थोड़ा सा परेशानी आपको आज के दिन महसूस होगी।
चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र में है, केतु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, कि भाग्य भी आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देने वाला है। केतु आपके कुंडली में शनि के नक्षत्र में है, तो आय की स्थिति धीरे धीरे बढ़ते रहेगी। 8:51 से लेकर 9:54 तक का समय पैसे के आगमन का समय है, पैसे के आगमन होंगे आपके, कहीं ना कहीं से पैसा मिलता रहेगा। 9:54 से लेकर 2:08 तक का समय अच्छा समय है, जमीन जायदाद से फायदा होगा। जो व्यक्ति फिल्मों में काम करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। 2:08 से लेकर 3:25 का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करते हैं, उन्हें लाभ होने की संभावना है। आपको भी काफ़ी प्रशंसा मिलेगी, सरकार से भी काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। 3:25 से लेकर 5:32 तक का समय अच्छा नहीं है। मानसिक तनाव में काफ़ी घिरे हुए रहेंगे आप, कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहें, अत्यधिक खर्च को दूर रखें अपने से। 5:32 से लेकर 7 तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उनके के लिए जो जमीन का काम करते हैं, उनके के लिए जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, उनके के लिए जो ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं, काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति पत्रकार हैं, उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति ग्रोसरी का व्यापार करते हैं, उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति चावल दाल का व्यापार करते हैं, फूड ग्रेन्स का व्यापार करते हैं, उन्हें भी काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मीन राशि वाले, आपके लिए 3:24 से लेकर 5:32 तक का समय अच्छा नहीं है। 3:24 दोपहर से लेकर 5:32 संध्या तक का समय अच्छा नहीं है। इस समय अपने आप पर आप काबू पाएं। दिन गुरुवार है, बृहस्पति देव के ही मंत्रों का जाप करें। बृहस्पति आपके बारहवें में बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आज के दिन आप विशेष करके मंगल के मंत्रों का जरूर जाप करें। मंगल आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और आपको काफ़ी लाभ दिलाने की स्थिति में मंगल हैं। सूर्य को जल चढ़ाना ना भूलें, सूर्य एकादश में आपके बैठे हुए हैं। ओम घिरणीय सूर्याय नमः, ओम घिरणीय सूर्याय नमः से सूर्य को जल चढ़ावें तथा मंगल के मंत्र को जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सब ओमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सब ओमाय नमः। विष्णु सहस्रनाम का जाप करना, पाठ करना आपके लिए तो दिन चर्चा हो जानी चाहिए। मीन राशि वाले, दिन आपका अच्छा है, अपने कर्म से दिन को और अच्छा बनावें, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। दिन आपका शुभ हो। राशिफल के श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।